गुडनेस भाई, स्त्री टू ने एडवांस बुकिंग के मामले में बहुत ही अलग तरीके का मोमेंटम पकड़ लिया है इस टाइम पर। फिल्म कल रिलीज हो रही है, वैसे कल रात को 9:30 बजे से शोज लगने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो 15 अगस्त को डेट होगी जब ये फिल्म फुल फ्लेज्ड तरीके से रिलीज हो रही है। बॉस बाकी दोनों फिल्मों से माइल्स अहेड, विच मीन्स वेदा और खेल खेल में जो दो फिल्में और हैं इस वीकेंड पर, उनको तो बहुत पीछे छोड़ चुकी है व्हेन इट कम्स टू द एडवांस बुकिंग। और क्या अभी स्त्री का डे वन कलेक्शन जो ट्रेड एक्सपर्ट्स पहले बोल रहे थे उससे भी आगे का नंबर हो चुका है? कहाँ हम 20-25 करोड़ की बात करें तो उससे काफ़ी आगे तक अब बात पहुँच चुकी है। सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में, वीडियो बनते हुए देखो चार बार सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं स्त्री ने किस तरीके का लीप ले लिया है। इट इज़ टेकिंग लीप्स व्हेन इट कम्स टू द एडवांस बुकिंग थिंग। पहले ऐसा लग रहा था ट्रेंड्स को देखकर कि शायद ये फिल्म की टोटल एडवांस बुकिंग ही 5 करोड़ के आसपास की रहने वाली है, लेकिन अब जो ट्रेंड्स बता रहे हैं अब एक तरीके से जो ट्रेड एक्सपर्ट्स बता रहे हैं और जो नंबर्स भी बता रहे हैं भाई, 10 करोड़ तो आप ये लगा लो कि कल सुबह तक ही एडवांस बुकिंग हो जाएगी स्त्री टू की डे वन की। दैट मीन्स कि एक लंबे समय से एक जो ब्लॉकबस्टर का बॉलीवुड इंतजार कर रहा था कि बॉलीवुड की तरफ से कोई भी फिल्म नहीं आ रही है, जो भी अभी कल की आई है वो साउथ की फिल्म थी, तेलुगु फिल्म थी, उस फिल्म ने तो किया ही नॉर्थ में कमाल, लेकिन ये फुल फ्लेज्ड बॉलीवुड की फिल्म जिसकी बात हो रही थी, बड़े बड़े एक्टर्स वो नहीं कर पाए जो एक स्त्री ने कर दिया है, श्रद्धा कपूर ने कर दिया है। एंड देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, व्हेन इट कम्स टू पुलिंग द क्राउड, सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर जो स्त्री के केस में है वो है इसकी फ्रेंचाइज। ऑफकोर्स वी ऑल नो एक्टर्स बहुत बड़े हैं, कहानी है और कॉमेडी है, लेकिन जो स्त्री का अपने आप में नाम है, ब्रांड नेम है ना, वो अनडिनाइबल है व्हेन इट कम्स टू द पुश ऑफ दिस फिल्म की। कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसको लेकर लोग इतने एक्साइटेड हैं? तो स्त्री का 2018 में जो जलवा दिखा था वही सेम जलवा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नॉस्टैल्जिया फैक्टर है हमको, जिस तरीके का अब स्त्री बदला लेगी सरकटे से, वो एक जो एंगल है कहानी वाइज वो भी एक नई चीज़ दिखाई दे रही है। एंड एज आई से ऑलवेज, 2024 इज़ अ जॉनर ओनली एंड ओनली मेंट फॉर हॉरर। अभी इससे पहले भी साल में जो भी फिल्मों ने काम किया है बॉक्स ऑफिस पे, चाहे वो शैतान थी, चाहे वो मुंजिया थी, चाहे अब स्त्री है या आगे चल के भुलभुलैया थ्री होगी, सारी की सारी फिल्में हॉरर कॉमेडी में आती हैं। तो ऐसा लगता है कि ये 2024 इज़ मेंट फॉर दिस। बट येस, स्त्री के साथ और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं, स्त्री फिल्म के साथ और भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑडियंस को काफ़ी पुल कर रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स इज़ भुलभुलैया थ्री का ट्रेलर, जो कि बताया जा रहा है कि इस फिल्म के साथ अटैच होकर के आएगा। क्या वो 14 अगस्त वाले प्रीमियर शोज में होने वाला है या नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन, बट आई थिंक होगा ही। जो लोग 14 अगस्त को भी फिल्म देखने जाएंगे इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उनको भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखने को मिलेगा, तो बॉस आई थिंक मेकर्स ने वहाँ पर फेयर प्ले किया होगा। बट व्हेन इट कम्स टू द स्क्रीन काउंट्स, व्हेन इट कम्स टू द शो काउंट्स, कि बाकी दोनों फिल्मों से किस तरीके का क्लैश चल रहा है देखने में हो रहा है, अब ये वन वे हो चुका है, ये क्लैश नहीं बचा है, अब ये वन वे हो चुका है, एक तरफा गेम हो चुका है। अब यहाँ पर स्त्री इज लीडिंग माइल्स अहेड, जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत आगे पहुँच चुकी है नंबर्स के मामले में। तो अगर मैं आपको बता दूँ इस वक्त नंबर कितना है स्त्री का एडवांस बुकिंग, 7 बजे तक की रिपोर्ट जो है वो पहुँच चुकी है 8.87 करोड़ तक, 2,95,000 टिकट्स अभी सोल्ड आउट, 250 रुपये की एवरेज टिकट प्राइस है, और भाई 8,000 शोज इस फिल्म के पास हो चुके हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था 10 से 12,000 शोज इस फिल्म के पास फाइनल डे पे होंगे, जो कल तक बढ़कर हो जाने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आपसे कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाउसफुल फिलिंग पास देखने में मिल रहा है, तो भाई दिल्ली NCR इज लीडिंग, 870 शोज हैं यहाँ पे, जिसमें से 219 आर हाउसफुल एंड 143 आर फिलिंग पास। मुंबई की बात करते हैं, 817 शोज में से 98 आर हाउसफुल, 141 आर फिलिंग पास। बाजी तो दिल्ली NCR मार के ले गई है, और दिल्ली NCR मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि जब भी हम डेटा ट्रैक करते हैं तो दिल्ली NCR में ही सबसे ज़्यादा शोज होते हैं, दिल्ली देन कम्स मुंबई और उसके बाद बाकी की जो सिटीज़ हैं। लेकिन अगर मैं आपको बुक माई शो ओपन करके बताऊं यहाँ से कितना चेंज आया है, पहले से तो भाई पहले 2,20,000 के आसपास के इंटरेस्टेड थे लोग, अभी 2,37,000 के आसपास लोग इंटरेस्टेड हैं, और भाई 10,000 टिकट्स बुक हो रही हैं एक घंटे में। और अगर मैं 15 अगस्त का डेटा ओपन करके देख लेती हूँ तो भाई साहब ये देखो आप, ऊपर के कुछ एरियाज हैं इनको अगर हम छोड़ देते हैं, ये देखो 15 अगस्त, ये देखो, ये है केसरिया रंग जिसको हम देखना चाह रहे थे, और अभी ये कल पूरा का पूरा, आई एम टेलिंग यू, ये पूरा का पूरा ऑरेंज होने वाला है व्हेन इट कम्स टू स्त्री। बट क्या बाकी फिल्मों का भी यही हाल है? क्या बाकी फिल्में भी कुछ इस तरीके से ही परफॉर्मेंस दिखा रही हैं? तो मुझे नहीं लगता है। खेल खेल में अभी काफ़ी पीछे है, खेल खेल का अभी कोई ट्रैक भी नहीं हो रहा है, और शो काउंट्स भी इस फिल्म की काफ़ी कम है स्त्री से अगर हम कंपैरिजन करें। स्त्री के एक थिएटर में मतलब आप लगा लो कि करीब करीब 16 शोज तो चल ही रहे हैं, यहाँ पर मुझे केवल 6-7 शोज ही नज़र आ रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू वेदा, क्या वेदा के पास भी कुछ ना कुछ एक्साइटिंग है? तो वेदा के पास भी अभी कुछ हाउसफुल फिलिंग फास्ट नहीं दिखाई दे रहा है मेन एक्चुअल, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ अभी क्लैश बचा नहीं है, अभी वन साइडेड हो चुका है, विच मीन्स स्त्री इज लीडिंग अहेड एंड लाइक बहुत आगे, बहुत ही आगे। तो अब हम बात करते हैं इस फिल्म के डे वन कलेक्शन की। क्या डे वन कलेक्शन इस फिल्म का प्रेडिक्टेड था? पहले इस फिल्म का डे वन कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड एक्सपर्ट्स करीब करीब था
आप मान के चलो कहीं ना कहीं वो बता रहे थे कि 20 से 25 करोड़ इस फिल्म की डे वन ओपनिंग रह सकती है नेट में, ग्रॉस की बात नहीं करें, नेट में। अब बहुत से लोग कह लो कि ज़्यादातर लोग ये बोल रहे हैं कि 30 से 35 करोड़ से भी ज़्यादा तक की डे वन ओपनिंग स्त्री ले सकती है। 2024 की वन ऑफ द बिगेस्ट मूवीज होने वाली है, फीमेल ओरिएंटेड फिल्म एक लंबे समय के बाद आई है जो कि इस तरीके का मैडनेस मचाएगी ना मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री। सो आई थिंक मैडॉक फिल्म्स इज हैविंग अ ब्लास्ट ऑलरेडी, वो सक्सेस पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि स्त्री टू ने धमाका धमाका करना है। तो इस फिल्म का जो रन टाइम है वो भी बिल्कुल सही है, ना ज़्यादा है ना कम है, 2.5 घंटे के आसपास की फिल्म है और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा लंबी फिल्में भी लोग बोर हो जाते हैं और उनको लंबी फिल्मों को ज़्यादा स्क्रीन्स भी नहीं, ज़्यादा शोज भी नहीं मिल पाते एक दिन में, तो आई थिंक बहुत ही बढ़िया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे देखने में मिलेगा कि कहानी में अब ये अगला जो मल्टी यूनिवर्स है, मल्टा यूनिवर्स ऑफ यू कैन से दिनेश विजन, क्या इसमें हमको और कुछ नया दिखाई देने वाला है, क्या इसमें भेड़िया आने वाला है, क्या इसमें मुंजिया का कुछ रेफरेंस होगा, क्या इसमें और कुछ कोई रेफरेंसेज होने वाले हैं, वो देखने में मिलेगा। साथ साथ में भूल भुलैया 3 मैंने आपको बताया है कि इसका ट्रेलर भी साथ में अटैच होकर आने वाला है, तो एक्साइटमेंट लेवल ऑडियंस में बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। बाकी आपको क्या लगता है, आप पहले कौन सी फिल्म देखने जाने वाले हो, अकॉर्डिंग टू यू विच फिल्म इज गोइंग टू हैव अ बेटर बिजनेस दिस वीकेंड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट फॉर स्टोरी फंक्शन।